आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का आदिवासी बाहुल्य विकास खंड खंसौर, खंसौर के बरेला ग्राम में मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा एक कोल आधारित पावर प्लांट लगाया गया था। शुरुआती दौर से ही ये पावर प्लांट विवादित रहा, विवादों में घिरा रहा। इस पावर प्लांट को लगाने की अनुमति किस तरह से दी गई, कैसे जन सुनवाई हुई, सारी चीज़ें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही 2008-09 से आपको पाठकों के समक्ष, दर्शकों के समक्ष रखा जाता रहा है। और उसके बाद भी यहाँ किसी भी तरह का कोई सुधार परिलक्षित होता नहीं दिखाई दिया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, 2010 में पर्यावरण प्रदूषित होगा या नहीं होगा, ये खबर भी प्रकाशित हुई थी जो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 2010 प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये चिमनी आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ जो भी प्लांट लगा है उससे उत्सर्जित होने वाली राख, चूँकि कोल आधारित है, राख का निष्पादन कैसे होगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसी बात पर लगा हुआ था। और राख के निष्पादन में यहाँ कैसी लापरवाही बरती जा रही है, लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के द्वारा आपके सामने चीज़ों को रखा जा रहा है। पर उस सब के बाद भी पता नहीं जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। देखिए, एक यहाँ पर जेसीबी मशीन खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, और ये अवैध उत्खनन भी यहाँ पर बहुत तेज गति से चल रहा है। देखिए, अवैध उत्खनन करके यहाँ पूरा धरती को खोद डाला गया है अवैध उत्खनन के जरिए। इस सब के बाद भी किसी को के कानों में जू नहीं रह रही है। मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, मंडला के सांसद फगन सिंह कुलस्ते जो केंद्र में मंत्री हैं, उसके अलावा लखनादौन विधानसभा क्षेत्र का यह हिस्सा, लखनादौन के विधायक कांग्रेस के विधायक हैं जो विपक्ष में हैं योगेंद्र सिंह, उनके द्वारा भी इस मामले में पूरी तरह मौन ही साधे रखा गया है। उसके अतिरिक्त सिवनी के दूसरे सांसद और बाकी के तीन विधायक भी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं। किसी के द्वारा भी इसकी सुध नहीं ली जा रही। क्यों नहीं ली जा रही है, इस बारे में शोध किया जाए तो बहुत सारे ऐसे तथ्य निकल कर सामने आएंगे। देखिए, यहाँ पर राख का परिवहन हो रहा, राख का परिवहन नियमानुसार हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। राख खुले में परिवहन हो रहा है जबकि राख को ढककर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के तहत ढककर इसका परिवहन किया जाना चाहिए, पर खुले में, पूरी तरह खुले ट्रकों में, खुले डंपर्स में ही राख का परिवहन किया जा रहा है। सिवनी के जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल इस बारे में क्या कह रहे हैं? सर, ये पावर प्लांट में राख की जो प्रॉब्लम है और अवैध खनन हो रहा है, इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। खनन की तो समस्या मुझे बताई नहीं है, पर राख के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हम लोग पहले भी चेक करा चुके हैं जी, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से वो नॉर्म के अनुसार चल रहा है। अच्छा सर, ये नाले आले सब पुर के खदन खनन करके कोई खनन वाला बता दीजिएगा, उसकी चेक कराने में वो पहली बार शिकायत आई जी सर। तो ये हमने आपको दिखाया मौके पर किस तरह से यहाँ राख का परिवहन हो रहा है, राख किस तरह से निकल रही है और कितनी तादाद में राख निकल रही है। यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन, बिजली के उत्पादन को ये हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले की हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, पर यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है वो उस उत्पादित बिजली का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है, सिवनी जिले को उसका कितना हिस्सा दिया जा रहा है, चूँकि सिवनी जिले में ये संयंत्र लगा है, सिवनी जिले के कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला है, कितने स्किल्ड और कितने बिना स्किल वाले जो वर्कर्स हैं, कितने लोगों को यहाँ रोजगार दिया गया है, इस बारे में भी शायद ही कोई कुछ जानता हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये हम आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से राख का परिवहन हो रहा है, राख
किस तरह से रखी जा रही है, राख को किस तरह यहाँ पर संकलित किया जा रहा है, राख को किस तरह से यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, भले ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी इसे ये कहें कि ये जो कुछ भी हो रहा है नियमानुसार हो रहा है, पर जो हाथलन नियम हैं, हाथलन नियम ये कहता है कि अगर आप कचरा या किसी चीज़ का परिवहन कर रहे हैं तो उसे ढककर उसका परिवहन होना चाहिए, वो हवा में उड़े ना, चाहे पत्थर हो, गिट्टी हो, रेत हो, उसका परिवहन ढककर किया जाना चाहिए। पर सिवनी जिले में ढककर परिवहन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसे देखने सुनने की फुर्सत जिले के 2 सांसद और 4 विधायकों को नज़र नहीं आती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देखिए किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक ये देखिए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर राख के ढेर लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए राख को डंपर्स में भरा जा रहा है। और डंपर आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, डंपर के अगर आप इसे देखेंगे तो इन डंपर्स पर के ऊपर कहीं भी तिरपाल नहीं दिखाई दे रहा होगा। राख के ऊपर पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए, पर पानी का छिड़काव आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्षेत्र के लोगों का ये कहना है, पानी आपको दूर जरूर दिखाई दे रहा है, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ उड़ती राख और अवैध उत्खनन के कारण उड़ती धूल, इसके कारण यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, वे उल्टी दस्त और पेट की अन्य बीमारियों के मरीज बनते जा रहे हैं। ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, इस बारे में शोध करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य घनसौर क्षेत्र और यहाँ पर जो पावर प्लांट लगा हुआ है, 2008-09 से यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई और आज तक यहाँ कितनी बिजली का उत्पादन हुआ, कितना कोयला यहाँ पहुँचा है, इस बारे में भी दरियाफ्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कितना निवेश के कितना प्रतिशत यहाँ पर व्यय किया गया है क्षेत्र की जनता के लिए। जितने वृक्ष यहाँ पर काटे गए थे, उन वृक्षों के बदले आसपास कहाँ प्लांटेशन कराया गया है, कितना प्लांटेशन कराया गया और वो प्लांट्स आज कितने बड़े हो चुके हैं, इस बारे में भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि ये जो भी यहाँ पर झाबुआ पावर प्लांट का ये कोल आधारित बिजली संयंत्र यहाँ पर काम कर रहा है, वो नियमों कितने प्रतिशत नियमों का पालन कर रहा है, कितने प्रतिशत नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसे देखने की बहुत ज़रूरत है। इस पूरे मामले में विपक्ष में बैठी कांग्रेस, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, इनका मौन अभी तक नहीं टूटा है। कांग्रेस के घोषित अघोषित प्रवक्ता भी इस मामले में पूरी तरह मौन नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।